ये एक 1200 डाया का पाइप है, एक 9 DL वो लगा हुआ है, और ये आगे जाके ये 45 लगा हुआ है। देखिए ये 45 लगा हुआ है, फिर और एक 45 लगा के बैंड होके उधर गया है, और आगे में देखिए एक स्कूल वो भी कनेक्ट होगा आगे में। ये सब मार्किंग हुआ है 45 वाला, ये सब मार्किंग हुआ है, ये सब लाइन लाइन तो मैच हो गया, ये सब फिटिंग होगा। ऐसा हुआ, ये स्कूल अभी उठेगा, ये इरेक्शन होगा, देखने को पाएंगे, ये इरेक्शन होगा, ये पाइप ये 7-8 टन का ये वजन है, ये पाइप का वेट है। एक क्रेन आ रहा है, ये इरेक्शन होगा एक क्रेन से, आप वीडियो देखते हैं कैसे होगा। ये वाला देखिए प्लेट लगा हुआ है 100 mm का प्लेट है, एक प्लेट लगा हुआ है, सॉरी 200 mm का ये प्लेट है, उसके ऊपर दिया जा रहा है ये पट्टी, ये भी पट्टी होल्डिंग हुआ है पाइप के साथ, ये पाइप इतना घुसेगा, ये भी उतना ही घुसेगा, आधा दिया हुआ है और आधा ये पाइप बटने के बाद ये आधा दिया जाएगा। और आगे में एक फांज है, वो फांज उसमें से कनेक्ट होगा, ये वाला पीस उसमें से लगेगा, ये वाला कनेक्ट होगा, ये 1200 आएगा, ये पाइप है, ये सब आज इरेक्शन होगा, आप देखेंगे ये सब कनेक्ट होगा। देखिए ये पाइप उधर गया है, उधर एक शाडर लगा हुआ है आगे में, और इधर भी एक शाडर लगा हुआ है, ऐसा आएगा ये 45 में बैंड हुआ, बैंड हो गया फिर 45 में ऐसा पैरेलल ये वाला आया। ये देखिए ये प्लेट होल्डिंग हुआ नहीं, ये लगने के बाद उधर होल्डिंग हुआ, ये हाफ प्लेट लगा हुआ है, पाइप बढ़ने के बाद और एक हाफ प्लेट लगेगा, नहीं फुल लगा देगा तो वो पाइप और एक जो पीस लगेगा वो अंदर में घुसेगा नहीं, इसलिए हाफ प्लेट लगा जाता है। ये बॉटम पोजिशन है, इसलिए ये यहाँ पे साइडर लगा हुआ है, और उधर देखिए उधर भी एक आगे में साइडर लगा हुआ, 90 में होके बैंड हुआ है, ये अभी ये जो जॉइंट जो सब होल्डिंग हुआ ये सब पेंट मारा जा रहा है, ये सब पेंटिंग हो रहा है, जो होल्डिंग वाला सब है पेंटिंग हो रहा है, ये सब होल्डिंग हो गया, साइडर ये भी सब पेंटिंग हो गया, ऐसा ये सब काम हो रहा है। देखिए मैं उधर जो पाइप आपको दिखाया, हाँ ये दूसरा पाइप है, ये वाला इरेक्शन हो गया, वो जो पाइप में पहले दिखाया वो पाइप आके उसका ऊपर रेस्ट करके ये टावर का ऊपर जाएगा, और जो दोनों पाइप दिखाई जा रहा है उसका ऊपर जाएगा, वो आगे में 45 पे बेंड हो गया, पैरेलल में जाएगा वो कॉलम से। ये जो पाइप लगा हुआ है ये देखिए, ये भी 45 में रोलिंग हुआ है, उधर एक 90 लगा हुआ, वो जो पीस दिखाया वो ऊपर उसका ऊपर बैठेगा, देखिए एक पाइप ऊपर बैठेगा, उसके बाद एक टावर का ऊपर जाएगा, वो बैंड बना हुआ उधर 90 का एक बैंड बना हुआ, उधर वो आगे में जाएगा, वो पाइप जो तो दिखा हो रहा है उसका आगे से वो 45 से वो बैंड होके नीचे आएगा, नीचे आके फिर पैरेलल होके ऐसा जाएगा। देखिए उधर जो पाइप में दिखाया, मैं एक टेम्पलेट बनाया वो ऐसा है, टेम्पलेट जो मैं बनाया वो ऐसा ही पाइप है, ये पाइप ऐसा आया, इधर 90 बैंड हुआ, इधर 45 बैंड हुआ, फिर इधर 45 बैंड हुआ, उसके बाद ये पैरेलल में आगे गया, ये वाला जो ऐसा रोलिंग हो जाएगा वो ऐसा लगेगा, देखिए ये ऐसा ही लगेगा, ये जो इधर जो लगेगा देखिए, ये जो पाइप में लगेगा वो ऐसा लगेगा, ये वाला ये पाइप में उधर बैठ जाएगा, और ये ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर है
स्ट्रक्चर ऊपर ये पड़ जाएगा ऐसा, आगे ये पाइप के ऊपर पट्टी नहीं होगी ऐसा वो आगे जाएगा, इरेक्शन होगा, मैं आपको दिखाएंगे स्ट्रक्चर का ऊपर आगे ऐसा बेंड हो गया ये जाएगा, मैं आपको दिखाएंगे जब इरेक्शन होगा पाइप के ऊपर। वो इरेक्शन का मैं और एक वीडियो डालेंगे बनाएंगे, आप देखेंगे, आप ये वाला देखते रहिए और हमारा चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, थैंक यू।